आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आपने एक मशहूर गणितज्ञ आर्किमिडीज के बारे में सुना होगा। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास एक लीवर हो तो मैं उस लीवर की सहायता से पृथ्वी को भी उठा सकता हूँ। दोस्तों, हम उन्होंने सही कहा था कि अगर एक लीवर का इस्तेमाल करेंगे हम तो हम कितने भी भारी भरकम वेट को आसानी से उठा सकते हैं। दोस्तों, आप चित्र में देख रहे होंगे कि उन्होंने एक लीवर लिया और बीच में एक फलक्रम लिया, फलक्रम यानी कि एक स्पोर्ट ली और एक भारी भरकम वेट के नीचे लीवर को लगा दिया और यहाँ पर उन्होंने फोर्स लगाया और जो वेट है वो उठता चला गया आसानी से। दोस्तों, एक आप अन्य चित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है और ये जो लाइन है ये फलक्रम है और यहाँ पे मैंने वेट लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इस वेट को फोर्स करूंगा तो ये वेट आसानी से उठता चला जाएगा। दोस्तों, ये था आर्किमिडीज का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका सीधा सीधा लिंक हमें गेयरबॉक्स में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वाहन के अंदर गेयरबॉक्स लगे होते हैं, उनके अंदर आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर वाहन जब चलता है तो वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि गेयरबॉक्स के अंदर हम गियर रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, गियर रेशियो का मतलब होता है जब छोटा गियर बड़े गियर को घुमाता है तो टॉर्क हमें प्राप्त होता है और वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दोस्तों, जो ये लीवर का सिद्धांत है वो अनेक जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें भी लीवर का इस्तेमाल किया गया है। हम जैक के अंदर भी लीवर का इस्तेमाल करते हैं, हम रेलवे की पटरी के ऊपर भी लीवर का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार से कई मैकेनिकल वर्कशॉप में और बड़े बड़े कारखानों में भी लीवरेज के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको लीवर के कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगा होगा। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स के बारे में। दोस्तों, स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स के अंदर एक इनपुट शाफ्ट दी होती है जिसे हम क्लच शाफ्ट भी बोल सकते हैं, जो इंजन की पावर के साथ कनेक्ट होती है। दोस्तों, जो दूसरी शाफ्ट होती है उसका नाम होता है आउटपुट शाफ्ट, जो पावर को बाहर की तरफ भेजती है, और जो तीसरी शाफ्ट होती है वो नीचे की ओर होती है, उसे हम बोलते हैं काउंटर शाफ्ट, जिसके ऊपर गियर फिक्स रहते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जो काउंटर शाफ्ट होती है उसके ऊपर गियर होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो शाफ्ट के साथ घूमते हैं। दोस्तों, ये भी एक गियर है जिसे हम क्लच गियर के साथ हम जोड़ देते हैं। दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये क्लच गियर होता है जो इनपुट शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है, और क्लच गियर के साथ जो काउंटर शाफ्ट वाला गियर होता है इसके साथ ये जुड़ा रहता है और पावर यहाँ से इसके अंदर आ जाती है और फिर ये गियर इस शाफ्ट के साथ घूमते रहते हैं। दोस्तों, होता क्या है इसमें, जब हम गियर शिफ्ट करते हैं, जब गियर लगाते हैं, दोस्तों जब हम पहला गियर इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों ये पहला गियर है और ये दूसरा गियर है, ये तीसरा गियर है। दोस्तों, ये क्या है, शाफ्ट दिए हुए, मेन शाफ्ट, इसके ऊपर स्प्लाइन दिए हुए हैं ताकि गियर है जो आसानी से मूव कर सके। जब हम पहला गियर लगाते हैं लीवर की सहायता से, जब हम पहला गियर लगाते हैं तो यह गियर स्लाइड होकर इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ये गियर स्लाइड होकर इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी कि पावर आएगी यहाँ से होते हुए, इस गियर से होते हुए, यहाँ से होते हुए और बाहर की तरफ पहियों की तरफ चली जाएगी। बाकी जो गियर है वो न्यूट्रल पोजिशन में घूमते रहते हैं। जब हम सेकंड गियर लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकंड गियर लगाते हो तो ये वाला जो गियर है इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ये इस गियर की पोजीशन यहाँ पे आ जाती है, इसके साथ कनेक्ट हो जाता है और पावर इस तरह से ट्रांसफर करके बाहर की ओर निकल जाती है, यानी कि पहियों तक पहुँच जाती है। जब हम तीसरा गियर लगाते हैं तब होता क्या है कि ये इनपुट शाफ्ट और मेन शाफ्ट आपस में कनेक्ट हो जाती है और पावर सीधा फ्लो करती है और पहियों की तरफ चली जाती है। दोस्तों, जब गाड़ी को रिवर्स करते हैं उसके लिए हम करते हैं आइडियल गियर का इस्तेमाल। आइडियल गियर यहाँ पे दिया होता है जो गियर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम करता है, यानी कि उल्टी दिशा में घुमाता है, बाकी गियर क्लॉकवाइज घूमते हैं और आइडियल गियर क्या करता है, गियर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम करता है। जब हम लीवर की सहायता से जब हम ब्रेक गियर लगाते हैं तो ये वाला गियर इसके साथ कनेक्ट हो जाता है और रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है और पावर एंटी क्लॉकवाइज ट्रांसपोर्ट हो जाती है पहियों की तरफ, जिसके कारण गाड़ी बैक होने लगती है। दोस्तों, ये थी स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में वीडियो। दोस्तों, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है वो एक ओल्ड वर्जन है गियर बॉक्स का, यानी कि ये बहुत पहले इस्तेमाल करते थे हम इसके अंदर। इसका नुकसान क्या था, जब हम गियर को स्लाइड करते थे, एक गियर दूसरे गियर के ऊपर स्लाइड होता है तो वो चलता रहता था और चलते चलते जब गियर आपस में मैश करते थे तो उनसे टूटने का खतरा रहता था और आवाज़ आती थी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने आगे आगे गियर बॉक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट किया। उसके बाद हम कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स और सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स लेके आए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सिंक्रोमैक्स और कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स के बारे में बात करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें।